नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनामिका कौशिक। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 16 अगस्त यानी बुधवार से आम जनता के लिए एक बार फिर से खुल गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत साल में दूसरी बार अमृत महोत्सव को खोला गया है। इसके लिए निशुल्क रजिस्ट्रेशन राष्ट्रपति भवन के वेबसाइट पर किया जा सकता है। इसके अलावा ऑन द स्पॉट भी एंट्री ले सकते हैं। सोमवार को छोड़कर किसी भी दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आप यहां जा सकते हैं और यहां का आनंद उठा सकते हैं। वहीं 5 सितंबर को इसे विशेष तौर पर शिक्षकों के लिए खोला जाएगा, जिसमें देश भर के स्कूल और कॉलेज के शिक्षक शामिल हो सकते हैं। 15 एकड़ में फैले इस अमृत उद्यान में सैकड़ों तरह के फूल, पेड़ पौधे और औषधीय पौधे भी देखे जा सकते हैं। पहले ये उद्यान साल में सिर्फ एक बार खोला जाता था। उस समय करीब 10 लाख से ज्यादा पर्यटक यहां आए थे, लेकिन इस साल इसे मॉनसून के दौरान भी खोला जा रहा है। 14 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्यान उत्सव 2023 का उद्घाटन की थी और अब ये आम नागरिक यानी कि आम जनता के लिए भी खुल गया है। इसके अलावा बता दें कि 16 अगस्त से 17 सितंबर तक यानी कि एक महीने के लिए इसे आम जनता के लिए खुला जाएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम जानकारियों और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 44 पर। नमस्कार।